दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। गत 9 नवंबर को हुए सिरसा जिला परिषद के लिए चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस बार जोन नंबर 10 में मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा था। यहां सामान्य वर्ग के कुल 6 पुरुष प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोककर अपने भाग्य को आजमा रहे थे, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के हल्का अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह खोड स्वयं चुनाव मैदान में उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस, भाजपा व जजपा से समर्थित उम्मीदवार भी थे। जोन नंबर 10 के कुल 23,974 मतदाताओं ने 500 उम्मीदवारों के भाग्य को ईवीएम में कैद किया था। मतगणना में चौधरी अभय सिंह खोड ने 1822 वोट से जीत हासिल कर भाजपा समर्थित उम्मीदवार लखविंदर सिंह धालीवाल को हराया। जोन नंबर 10 से ये चौधरी अभय सिंह खोड की तीसरी जीत है। लखविंदर सिंह को 1690 वोट मिले। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बसंत तरड 3942 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि चौथे स्थान पर रहे बूटा सिंह को 2633 वोट मिले। प्रदेश सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सोहन पाल सिंह को 1521 वोट मिले, जिसके चलते वे पांचवें स्थान पर रहे, जबकि महज 1343 वोट लेकर राजपाल सिंह छठे स्थान पर रहे। कुल 333 वोट नोटा को भी मिले। चुनाव में जीत की घोषणा के बाद चौधरी अभय सिंह खोड को उनके समर्थकों ने मिठाई खिलाई और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। उनके समर्थक ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचे। आपको बता दें कि गत 12 नवंबर को संपन्न हुए चुनाव में उनके बेटे अजीत खोड की पत्नी नलिनी सिंह खोड ने गांव कुमथल में सरपंच पद का चुनाव जीता है। इस प्रकार खोड परिवार को इस बार दोहरी सफलता हासिल हुई है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी अभय सिंह खोड ने दावा किया कि सिरसा जिला परिषद का चेयरमैन इनेलो का ही होगा। ये तो सिरसा जिला था जिसमें इनेलो का बच्चे बहुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। जीत का श्रेय मेरे वोटरों को है, मेरे जोन के जितनी भी जनता है, चाहे वो सिख, जाट, हरिजन, जो भी बिरादरी है, उनका सबका मेरे साथ तह दिल से साथ था। और मैं सभी जनता वोटरों से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि मुझे शायद तीसरी बारी उन्होंने विजय हासिल करवाई है। इनेलो का चेयरमैन बनेगा, कितने के आसपास तो सर सिरसा से कितनी सीटें इनेलो जीत रही? अभी तो मुझे तो मेरा पता है भैया, अभी मेरे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड हमारा इनेलो का ही बनेगा। पिछली बार जिस तरह काम हुए वो इसी तरह काम होंगे अगली बार भी? उससे भी ज्यादा बढ़िया काम होंगे देखना। हाँ, अमर सिंह का जिंदाबाद।